उदय उत्तर प्राप्त है उत्तर हाँ। दे और उत्तर के साथ मैं माननीय मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देने में क्योंकि यह नहीं कि मुजफ्फरपुर के वासी है इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन बहुत क्या कहते हैं सक्रियता के साथ और माइक्रो स्क्रीनिंग कहते हैं और माइक्रो मॉनिटरिंग आप जो कर रहे हैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद। हमारा सर जो प्रश्न था उसमें करीब 7 समस्या के समाधान के संबंध में था, आपने 7 समस्या का संज्ञान ही नहीं लिया बल्कि उस पर कार्रवाई की और आपने कहा कि जिन आवेदन की समीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है निष्पादन नहीं हुआ वह प्रत्याहार करता है उसके संबंध इसके धन्यवाद देते। लेकिन एक चीज़ हमारा यह है क्योंकि आजकल लोगों में इतनी जागृति आ गई है कि हम कभी आवेदन कहीं देते हैं आवेदन अगर निरस्त होता है रिजेक्ट होता है तो एक जानने की अपेक्षा रहती है कि किस कारण से हमारा आवेदन निरस्त हुआ। तो इसमें करीब आपको मैंने 26,33,459 आवेदन को आपने निरस्त कर दिया है तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से नहीं लेकिन नीचे स्तर पर जो आपके पदाधिकारी हैं कम से कम आवेदनकर्ता को संतुष्ट करें कि इन इन कारणों के कारण आपका आवेदन निरस्त हुआ है। अगर इस आवेदन में परिमार्जन कर करके फिर आप देते हैं तो उस आवेदन पर फिर से विचार किया जाएगा, यह मेरा है उस पर आप देखिए। दूसरा कभी कभी वैसे आपके यहाँ अंचलाधिकारी है भूमि सुधार उप समाहर्ता है जिला भूमि है एक आपके जो चल रहा है उसके चलते सभी लैंड ओनर चाहे अब्सेंटेड लैंड ओनर सब में एक सक्रियता बन गई है कि हम अपना जमीन का कागज पत्र को ठीक करें। तो उसी संदर्भ में और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं इन अफसरों के रहते हुए भी हम लोगों को सबसे बड़ा क्या कहते हैं भूमि सुधार पदाधिकारी वहाँ के लोग मानता है। अभी जो महोदय इनको संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 60-65 में सर्वे हुआ और 60-65 में सर्वे होने के बाद खतियान बना और खतियान में 2 शब्द एक है ब कब्जा और दूसरा है बे कब्जा ब कब्जा और बे कब्जा। अब मतलब कि एक हमारे क्षेत्र का एक लोग कहा कि हम सर छठा पीढ़ी के हैं हम कब्जा माने कब्जा में बेकब्जा में माने वो कब्जा में हम हैं लेकिन जमीन का रसीद नहीं बनने के चलते बहुत सारे जो हमारे पटीदार के लोग भी माने कुछ दूसरे ढंग के हैं वो बेच लिए। तो एक मेरा निवेदन यह होगा आपसे कि इस तरह का जो मामला है छठा पीढ़ी का लोग हमको फोन से कहा और हम नहीं जानते थे कि वह कब्जा बेकब्जा माने अभी तक इसके चलते पारिवारिक आप तो पिछले भी कहा कि पारिवारिक बंटवारा आप लोग अपने से कर लीजिए बहुत से नहीं हो सका। तो मेरा यह कहना है कि आपके यहाँ एक इस तरह के मामला जो आता है चाहे सीओ के पास चाहे भूमि सुधार उप समाहर्ता के पास चाहे जिला भूमि पदाधिकारी के पास इस तरह के जैसे एंटी एट्रोसिटी मामले का रिव्यू होता है कि कितना मामला आया उसका निष्पादन है इस तरह के जो मामला आ रहा है उसके निष्पादन त्वरित ढंग से हो एक सजेशन भी हो कि आप लोग आपसी बंटवारा कर लीजिए पेपर दुरुस्त कर लीजिए और भेज कीजिए तो हम उसको सही मान लेते हैं ताकि रसीद जितने भी जमीन ओनर हैं चाहे जमीन ओनर की अपेक्षा रखते हैं उसका बजाबते महोदय रसीद बन जाए यही निवेदन आपसे हम आपके मार्फत करना चाहे मंत्री जी बोला जाए हमारी जो हमने अपेक्षा की है उसको तो कम से कम हाउस में उस अपेक्षा को पूरा कीजिए संतुष्ट कीजिए सभापति महोदय हमारे अभिभावक बिल्कुल संतुष्ट भी हैं अपेक्षा को पूरा कीजिए हाँ। चेयर का काम है सप्लीमेंट करना आपने सप्लीमेंट किया कि संतुष्ट कीजिए इसलिए चेयर को धन्यवाद हमारे माननीय सदस्य अभिभावक बिल्कुल संतुष्ट हैं और फिर पुनः मैं संतुष्ट कर देना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि अकारण ही निरस्त कर देता है मोटेशन में कुछ कारण बताना चाहिए तो विभाग से यह निर्देश जारी है और जब मैं मंत्री बना इस विषय को मैंने अपने संबंधित पदाधिकारियों को भेजा भी है याचिकाओं के अस्वीकृत होने का मुख्य कारण निम्नवत है इन्हीं कारणों के कारण उनको निरस्त करना है जैसे विक्रेता का जमाबंदी रैयत से संबंध स्पष्ट नहीं होना विक्रेताओं अथवा उनके पिता पति के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं होना खतियान बेलगान अंकित होना वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज होने की स्थिति में वसीयत को प्रोवेट नहीं होना याचिकाकर्ताओं के आवेदित
मामलों में भूमि संबंधित व्यवहार न्यायालय में स्वतः बाद लंबित रहना, याचिकाकर्ताओं को के आवेदित भूमि पर उनका दखल कब्जा नहीं होना, आपसी बंटवारा के आधार पर सभी पक्षकारों की सहमति नहीं होना, इन कारणों से ही निरस्त करना। इसके अलावा अगर कोई करता है तो मैं एक प्रावधान ये भी बना रहा हूँ कि उनको मैं अगर इस कारणों के कारण नहीं किया है, किसी अन्य कारण किया है, तो उस पर हम एक दंडित का प्रक्रिया भी हम बना रहे हैं जो पहले से नहीं है, जिससे कि हम अपने सीईओ को कर्मचारी को बांध सके, उस पर कार्रवाई कर सके। दूसरी बात, आपने कहा जो कब्जा बेलगान जमीन के बारे में आपने कहा, तो बहुत सारे ऐसे जमीन है जैसे बकास की जमीन है, बेलगान की जमीन है, असर्वेक्षित लैंड है, टोपो लैंड है, ये सब भूमि सरकारी भूमि माना गया है। इसके अलावा जिनके पास पेपर है, दखल कब्जा है, उस तरह का टीम बना करके हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को सर्वे तक या सर्वे करा करके जो ऐसी ज़मीन है चिन्हित कर ले, उस पर कुछ विभागीय कार्रवाई हो, जिससे कि उन लोगों को लाभ मिल सके, बशर्ते उनके पास पुश्तैनी कोई पेपर होना चाहिए, कोई कागजात होना चाहिए। नियम बना करके हम लोग उस पर भी कार्रवाई आगे कर रहे हैं। और जब तक आपका कब्जा में है, लगान निर्धारित नहीं है, तो वो आगे बंटवारा नहीं हो सकता है, आगे वो जमाबंदी कायम नहीं हो सकता है, आगे सर्वे में नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि सर्वे का काम चल रहा है, तो मैं कई एक बार मीडिया के माध्यम से, सदन के माध्यम से, अपने बैठकों के माध्यम से सभी लोगों से अपील किया है कि बंटवारा जरूरी है और बंटवारा जल्द करा लीजिए, जिससे कि नया सर्वे हो तो आने वाला पीढ़ी के बच्चों के नाम पर वो खतियान सर्वे दर्ज हो जाए, जिससे कि आगे का 50 साल 100 साल फ्यूचर उनका सेफ हो जाए। और कुछ पारिवारिक कारणों से बंटवारा लोग नहीं करते, जिस कारण से विभाग में बदनामी काफ़ी हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं सभी अपने माननीय सदस्यों से कई बार आग्रह किया, आज भी मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और आपके बात का प्रबुद्ध बात को माना जाता है। जैसे आपने कहा कि जमीन के डॉक्टर हैं या जमीन के लॉयर हैं, सब लोग मानते हैं, तो इस बात को हम लोग इम्प्लीमेंट कराना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनताओं के बीच में, समाज के बीच में, कि आप ये नहीं करोगे तो आपको लाभ इससे नहीं मिलेगा। तो हमने कई एक बार कहा है, तो आप सभी लोग से मेरा आग्रह है कि राजनीतिक काम करना है, विभाग का काम करना है, और एक विषय को हमेशा टॉपिक में रखना है कि जमाबंदी अलग क्लियर कराओ। और चार भाई हैं, अब प्रेमचंदर जी चार भाई हैं, तीन भाई नहीं तैयार हो रहा है, एक भाई नहीं तैयार हो रहा है, इनका बंटवारा नहीं हो रहा है, इनका खानदान में एक परपोता तैयार नहीं हो रहा है, तो नहीं बंटवारा हो रहा है, तो वो भी मैं संशोधित कर रहा हूँ कानून को, ला करके बहुत जल्द आप लोगों के पटल पर रखूंगा अगले वित्तीय वर्ष में, कि यह जमाबंदी जब बखुदा बंटवारा के आधार पर जब दाखिल खारिज हो सकता है, तो हमारी सरकार में हम चाहते हैं कि तीन भाई अगर तैयार है तो एक भाई का हिस्सा हम गबन नहीं करेंगे, उनका भी हिस्सा रखेंगे, उनको बुलाएंगे, नोटिस देंगे, नहीं आएंगे तो संबंधित विभाग के जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं या पर कर्मचारियों से के बीच में बना करके अमेंडमेंट करके लाऊंगा, जो आपके पटल पर रखूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा, ये भी मैं निदान बहुत जल्द करने जा रहा हूं। ठीक है, बढ़िया। हाँ, वीरेंद्र बाबू। माननीय मंत्री जी ने कहा कि टोपो लैंड की पूरी जमीन सरकार की है, तो अभी मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, परंतु पूरा छपरा शहर आधा टोपो लैंड है, जहां इनके निर्णय लेने के कारण किसी प्रकार का ऋण मिलना और किसी के शादी ब्याह में अगर जमीन बेचना चाहता है तो जमीन बेचना, ये सब काम बंद है। तो इस पर ही इसका समाधान कब तक ये निकालेंगे? नीरज बाबू। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि नवादा जिला में एक प्रयोग किया गया है, और उसके चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां जिलाधिकारी नवादा ने व्यवस्था किया कि जो भूमि विवाद के ऐसे मामले, दाखिल खारिज, लगान रसीद, मापी, ऐसे मामलों का पंचायत के स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी पंचायत में जब शिविर लगा रहे हैं, और उसमें न्याय मित्र को भी शामिल किया गया है, तो न्याय मित्र चूंकि लॉ ग्रेजुएट होते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा फलाफल निकल करके आ रहा है। 284 में जहां तक मुझको स्मरण है, एक दिन में 186 मामले का निष्पादन हो गया। तो हम माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करेंगे कि नवादा जिला प्रशासन ने जो पहल किया है, उसको विभाग को मंगा करके देखना चाहिए, क्या इस ढंग से भूमि विवाद का शीघ्रता सिद्ध निष्पादन में कुछ सहूलियत होगी, अगर सहूलियत होगी तो उसको अपनाना चाहिए। ठीक, सभापति महोदय, इस चीज़ को हम लोग भी इम्प्लीमेंट किए हैं और कर भी रहे हैं, और निश्चित रूप से हमने ये हर एक शनिवार को पंचायत, ब्लॉक, प्रखंड स्तर पे थाना और सीओ के द्वारा निष्पादन किया जाता है, चौकीदार के द्वारा उसको बुलाया जाता है,
अनुमंडल स्तर पर भी किया जाता है और जिला स्तर पर भी किया जाता है। और अभी जो नया नियम की बात हमने कहा उसमें यही चीज़ जो आपने कहा जो नवादा डीएम ने किया है, मैंने ये तय करना चाहता हूँ, जब पास होगा तब पूरी बात को मैं बताऊँगा कि हमारे स्थानीय उस पंचायत के जनप्रतिनिधि जो न्याय मित्र सरपंच या पंच जिस चुने जाए उनके पास कोई काम अभी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं काम देना चाहता हूँ कि गाँव में लोग पंचायत के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी की बंटवारा करते थे हमारे दादा परदादा, तो आज उस चीज़ को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना है। और उसमें हमारे संबंधित अंचलाधिकारी के जो कर्मचारी होंगे, सीआई होंगे, अमीन होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, वहाँ के गणमान्य लोग भी रहेंगे, और प्रॉपर्टी का पंचायत होगा, बंटवारा होगा। आप शेड्यूल बना के दीजिएगा, शेड्यूल की सहमति उन भाई से लिया जाएगा, नहीं लिया नहीं, नहीं देना चाहेंगे तो उनको फिर कॉल किया जाएगा, नहीं आएंगे तो क्या हर्जा है कि इस तरह का हम व्यवस्था करें जिसमें पूरी वीडियोग्राफी हो। जैसे हम चार भाई हैं और मैंने अपनी जब प्रॉपर्टी का बंटवारा किया तो हमारे तीन भाई हमेशा उपलब्ध रहते थे, हम विधायक थे, बाहर रहते थे। हमने अपने पिताजी को कहा जो तीन भाई उठा लेंगे, जो बच जाएगा वो मेरा हिस्सा होगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हमने उठाया, जब हमारा हिस्से में आया तो भाग्य की और अच्छी बात है कि हमको सब जमीन अच्छा मिला। तो इसी तरह से बना करके हम शेड्यूल बनाएंगे और पंचायत लेवल पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो हमारे पूर्वज लोग किया करते थे कि फलाने बाबू पंचायत में आएंगे और वो जो कह देंगे उसको हम मान लेंगे। तो हम ऑन रिकॉर्ड सरकारी और अर्ध सरकारी और प्रतिनिधि के समक्ष इसको व्यवस्थित करेंगे। और जो भाई अमेरिका लंदन में भी रहेगा वो अपनी सहमति देगा तो काम होगा, और वो बैठे बैठे देख सकता है उन वीडियोग्राफी के मार्फत कि हमारा बंटवारा सही हो रहा है। नहीं मानेगा, बहुत रिजिड होगा, तो बखुदा बंटवारा के तरह हर खेसरा में उसको बांट के हम एक हिस्सा को चार हिस्सा कर देंगे। तो तीन हिस्सा में तो भाई ने सहमति दिया, तीनों भाई सहमति दे करके अपना प्लॉट बना लिया, लेकिन एक भाई का मन होगा कि नहीं हम कैसे इसको बढ़ने नहीं देंगे, तो आप हर खेसरा में अपना 5-5 जिसमें हिस्सा निकाल लीजिए, आप रहिए, लेकिन तीन भाई को तो विकास करने दीजिए। ये नियम बना करके बिहार में ऐतिहासिक मॉडल मैं लागू करूंगा। ठीक। टोपोलैंड, एक टोपोलैंड के बारे में कहा कि सरकार की जमीन मानी जा रही है अभी तक, उस पर आप लोगों का प्रश्न आया है, सरकार ने कमेटी भी गठन किया है, अभी हम फिलहाल नए निर्णय लिए हैं कि उनका भी हम सर्वे कराएं। सर्वे कराने के बाद जो उसमें जो व्यक्ति हमको व्यवस्थित तरीके से जो पेपर देगा, कागज देगा, खानदान दर खानदान या केवला दर केवला के सहित प्रस्तुत करेगा, उसमें विचार करके उन लोगों पर हम विचार करेंगे। ठीक है। महोदय महोदय एक साथ बोलिएगा तो नहीं हो। महोदय एक कंफ्यूजन रह गया, माननीय मंत्री ने कहा कि अगर चार भाई हो और तीन भाई के सहमति हो जाए, अगर चार भाई हो और तीन भाई एक साथ हो जाए और एक भाई माननीय मंत्री जी के तरह बाहर रहता है, वो अगर अपना डिवीजन चाहता है तो उसका क्या प्रावधान किया है? तीन भाई असहमत हो जाए, गांव पर रहता है एक ही साथ हो जाए, एक बाहर रहता है उसको दबा रहा है, वो अपना शेयर लेना चाहता है, तो उसके लिए प्रावधान क्या है? ये सदन जरूर जानना चाहती है क्योंकि ये जमीन मकान का मामला। अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, मैंने विचार बताया है, विचार में सब विचार को विचार रखा जाएगा, आपके विचार का, इनके विचार का, जो एक भाई हो, दो भाई हो, तीन भाई हो, पांच भाई हो, उसमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। उसमें संशोधित नियम जब आएगा तो बहुत सारे टीम बैठेगी, उसका काम होगा, समीक्षा होगा, तब आएगा। मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया है और आप एक भाई वाले को भी परेशानी नहीं होगी, और एक भाई भी बंटवारा चाहता है तो टाइटल में जाता है, बंटवारा सुध डायर करता है, हमारे यहाँ भी डायर करेगा, हमारे यहाँ भी इस कानून को पारित करने के लिए कहेगा कि हम बंटवारा चाहते हैं, तो हमने सबको बुलाएंगे, सबको बैठाएंगे, नहीं मानने पर उसका अलग नियम होगा, अलग कानून होगा। महोदय, कोर्ट केस में व्यवस्था को देखते हुए करना होगा। हम भी राजस्व मंत्री रहे हुए, प्रोग्राम तो बनता है लेकिन इम्प्लीमेंट में बहुत समय लगता है। हम माननीय मंत्री से केवल समय सीमा जानना चाहते हैं, कितना दिन में नियम लागू कर देंगे? माननीय मंत्री खुद इस विभाग में रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, अब हमको करने के, मैं विश्वास, मैं धन्यवाद देता, मैं करूंगा। नहीं, सुनील जी बैठ जाइए, और समय सीमा तय करने की बात हो रही है, समय सीमा तय करने की बात हो रही है, तो मानव बल की कमी है, जो आयोग के द्वारा भर्ती होना है, अभी कोर्ट में बच्चे लोग चले गए हैं, कंप्लेन कर दे, जिस कारण से रुक गया है मानव बल, फिर हम अपना दे रहे हैं, आते ही कोई सबका समय होगा, समय तय होगा, लेकिन मानव बल कमी के कारण समय पर नहीं होता, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन मानव बल आते ही ससमय ही किया जाएगा। महोदय महोदय एक मिनट, श्रीपति है ये बोले कुछ नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री तो मजाक में बोले आपको, एक मिनट, मुख्यमंत्री तो वही है जिनके अधीन वो भी है, हम भी थे, उनसे पूछ लें जो काम हम किए थे कि नहीं, या क्या क्या काम किए थे जो 25-30 साल से नहीं हुआ था, उस काम सबको किए हैं वो रिकॉर्ड देख लीजिए। ठीक। माननीय श्री प्रेमचंद मिश्रा, चरांकित प्रश्न, माननीय मंत्री नगर विकास।